लियोनेल मेसी, जिन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल प्लेयर कहा जाता है, वो एक मंच पर मीडिया वालों के सामने और अपने परिवार वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मेसी इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे? उसकी वजह थी बार्सिलोना से उनकी विदाई। जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने बार्सिलोना क्लब को ज्वाइन किया था और तब से लेकर अब तक लगातार 21 सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के लिए खेले और किसी भी और क्लब को कभी भी ज्वाइन तक नहीं किया। उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफर आए लेकिन उन्होंने बार्सिलोना क्लब को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब बार्सिलोना क्लब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कर्जे में डूबा हुआ है और इसी वजह से वो मैसी जैसे बड़े प्लेयर का खर्चा नहीं उठा सकता। मैसी इसके लिए 50% फीस पर भी काम करने को तैयार थे लेकिन बहुत से ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी सेपरेशन की। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया जिसमें 11 मई की रात हमास द्वारा छोड़े गए बहुत सारे रॉकेट्स इजराइल की तरफ आते तो दिखते हैं लेकिन वो हवा में खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई रक्षा कवच इजराइल की रक्षा कर रहा हो, लेकिन ये रक्षा कवच एक्चुअली इजराइल ने खुद ने बनाया है जिसका नाम है आयरन डोम। अभी कैसे काम करता है समझिए। जैसे ही कोई रॉकेट इजराइल की टेरिटरी में आता है, इसकी भनक डोम के रडार को लग जाती है और डोम का रडार इसकी पोजीशन और इसकी टेरिटरी की इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को देता है। अब अगर कंट्रोल सेंटर को लगता है कि दुश्मन का रॉकेट कहीं किसी रिहायशी इलाके या फिर किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पे गिरने वाला है तो वो तुरंत एक कमांड रॉकेट लॉन्चर को पास करता है और रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट तुरंत दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर देता है। गाइस, ये आयरन डोम की टेक्नोलॉजी आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में परखते हैं लेकिन कितने कैरेट में कितना प्योर गोल्ड है ये हमें कैसे पता लगेगा? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होता है 24 कैरेट गोल्ड जिसमें 99.9% तक प्योर गोल्ड होता है। अब इससे खरा सोना है ही नहीं लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि इससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। फिर आता है 22 कैरेट गोल्ड जिसको 916 गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसमें 91.6% प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए परसेंटेज में कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। अभी थोड़ा हार्ड होता है तो इसे ज्वेलरी बनाना आसान होता है। फिर आता है 18 कैरेट गोल्ड जिसमें मात्र 75% तक की प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए 25% में निकिल कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे कैरेट घटता जाएगा सोने की शुद्धता भी घटती जाएगी और साथ ही साथ सोने की चमक भी घटती जाती है। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गर्मियों में